अच्छा चौधरी साहब, एक और बात। मौलाना फजल रहमान साहब तमाम हदें पार कर चुके हैं। अभी हाल ही में उन्होंने जिस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया पाकिस्तान की कौम की बेटियों के लिए, माएँ बहनें बेटियाँ हैं, वो खुद को मौलाना साहब आलम दीन कहते हैं, तो इनको तो सिखाना चाहिए अखलाकियात दूसरों को, लेकिन ये इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। कल प्रोग्राम में भी मैंने बात की और मैंने तो मौलाना साहब पर तनकीद भी की और करनी बनती भी थी कि कौम की माएँ बहनें बेटियाँ, किसी की बेटियाँ हैं वो किसी की माएँ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें सेंसर करके वो अल्फाज स्क्रीन पर सुनाने पड़े, सुनाने के भी काबिल नहीं थे। तो मौलाना साहब क्यों इस तरह की हरकत कर रहे हैं, फिर कहते हैं मुझे मौलाना भी कहें। देखिए, आलमे दीन तो खैर इल्जाम ही है ना उनके ऊपर, वो कौन से आलमे दीन है। और जहां तक बात यह है कि ये बातें कब होती हैं, ये बातें तब होती हैं जब आप बड़े फ्रस्ट्रेटेड हो, टेक्नोलॉजिकली आप बड़े जब अंदर से हार गए हो और आप अंदर से हार गए हो। फजलुर रहमान साहब हो, नवाज शरीफ हो, ये लोग अंदर से हार गए हैं और इनको एक नजर आ रहा है कि इमरान का शिकार होंगे, भी ऐड कर लें। हाँ बिल्कुल, मुझे इमरान तो एक हिस्सा है ना इनकी हार का। और ये इस वक्त जो है वो मौलाना जो है वो बुनियादी तौर के ऊपर ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं, ये लक्चर गुफ्तगू जो उनकी तरफ से हो रही है, ये डेस्परेशन का इजहार है। और आप देख रही है कि इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है सियासत में, इसीलिए इन्होंने दुकानें खोली हुई हैं इस्लामाबाद में। हर आदमी आप पता करें, इनका इस वक्त जो JUI के वजीर हैं, पीपल्स पार्टी के वजीर हैं, इन्होंने लिटरली जो है वो दुकानें खोली हुई हैं, 10-10 हज़ार रुपया भी नहीं छोड़ रहे। और तमाम लोग जो हैं वो परेशान हैं कि इस्लामाबाद में क्या हो रहा है। कोई प्रोजेक्ट ऐसे नहीं है जिसमें पैसों के बगैर, ये जो सारे PDM के इस वक्त लोग चिमटे हुए हैं, आप सिर्फ किसी इंडिपेंडेंट लोगों से पूछें कि इस वक्त इस्लामाबाद में माहौल क्या बना हुआ है, एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट जो यहाँ पे हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की अवाम उस हक की आवाज के पीछे जो है 80% से ज्यादा अवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज से। और उसके साथ भी 80% अवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल देख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जेक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।